त्योहारों के बाद ऐसे मरीजों की संख्या सरकारी और निजी अस्पतालों में बढ़ जाती है जो दीपावली के पटाखे के धुएं से अस्थमा के अटैक का शिकार हुए हैं या पटाखे की वजह से जले हैं। इन सब घटनाओं से बचने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा। दीपावली का बड़ा ही जोरदार त्यौहार मनाया गया और लगातार लोगों ने शांति से और प्रेम से त्यौहार को मनाया, पर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो लोग काफ़ी बीमार हो जाते हैं, उसकी क्या स्थिति आगरा में से बात करें। सीएमओ साहब ये बताएं कि दीपावली के बाद जो अस्थमा और जो एलर्जी के मरीज हैं उनकी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है क्या? बिल्कुल, चूँकि थोड़ा बहुत ठंड भी आ रही है, स्मॉग भी का दिखाई भी पड़ रहा है और लोगों ने पटाखे भी जलाए, थोड़ा सा उन लोगों को दिक्कत जरूर ही है, बड़ी है और अस्पतालों में कल से संख्या भी बढ़ी है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, एक दो दिन में अंदर सामान्य हो जाएगी। बर्न के भी कोई मेजर केसेस नहीं है, छुटमुट केसेस आए हैं। बर्न का बड़ा केस मथुरा में हुआ था, उसके 8 पेशेंट यहाँ पे आए थे मेडिकल कॉलेज में, जिनको उचित उपचार देकर जो सीरियस थे उनको रेफ़र किया गया। पूरी स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया था और ये बहुत ही आगरा जनपद के लिए अच्छा है, कोई मेजर कोई ऐसी दुर्घटना कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैं सबको इसकी शुभकामना देते हुए, आज गोवर्धन है कल द्विज होगा, इन सबकी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सेहत अपनी अच्छी रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। थोड़ा सा सुबह और शाम बाहर निकलने से जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई मेजर स्वास्थ्य समस्याएँ हो पाएंगी। सीएमओ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि भगवान श्री राम जब अयोध्या आए तो उनका जो भव्य स्वागत किया, दीपों जलाकर पटाखे जलाकर जो उनका स्वागत किया, इसको ही दीपावली रूप में मनाने लगा और इसमें अवेयरनेस इतनी फैलाई गई इस दीपावली पर, उससे पहले कि कम से कम हादसे हो पाएँ। स्वास्थ्य विभाग ने, प्रशासन ने, सीएमओ साहब ने लगातार इस तरह की मुहिम चलाई कि लोग कम आगरा में जो है इस चीज़ से पीड़ित हों, उसके लिए धन्यवाद इन सभी का। और लगातार इस तरह की मुहिम चलती रहेगी ताकि समाज में लोग कम बीमार हों और लोग कम परेशान हों। कैमरा प्रताप के साथ लक्ष्मी राशि, सी न्यूज़ आगरा।